आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। लोकसभा चुनाव के लिए नालागढ़ में हुई जनसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पहली बार नरेंद्र मोदी पर बरसे। वीरभद्र सिंह ने कहा कि भाजपा वाले नरेंद्र मोदी को विकास का मसीहा बता रहे हैं। बकौल वीरभद्र, वास्तविक विकास ये नहीं होता जहां लोग डर डर कर रह रहे हों। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास देश के उन राज्यों में हुआ है जहाँ पर कांग्रेस का राज है। उन्होंने गुजरात के गोधरा कांड पर बोलते हुए कहा कि गुजरात के विकास की कहानी गोधरा कांड चीख चीख कर बता रहा है। मोदी साहब भाजपा कहती है कि हम सत्ता में आएंगे, गुजरात का मॉडल जो है वो लगाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं वो कौन सा गुजरात का मॉडल है। मैं तो सारे लोग हुआ हूँ, गुजरात जो है हमारे देश के अंदर बड़े कई राज्य हैं, उनमें से एक राज्य, और 1947 के बाद गुजरात में कितनी कांग्रेस की सरकारें हुई हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री हुए हैं, ये जो उसने इस तरक्की को आगे बढ़ाया। के बाद मोदी साहब आए, उन्होंने कौन सी नई बात तक की। अगर आप गुजरात जाइए तब देखेंगे तो एक हिस्सा है गुजरात का जो तरक्की याफ्ता है इंडस्ट्री के हिसाब से, हालांकि वहाँ भी गरीब लोगों की बुरी हालत है। जो उद्योगपति है उनके हितों की रक्षा है, मगर जो मजदूर काम करने वाला है उनके हितों की कोई रक्षा नहीं, किसानों की कोई रक्षा नहीं है। इंडस्ट्री के नाम से घूस के भाव से लोगों की जमीनें देकर इंडस्ट्री को दी जाती है। तो इसलिए ये कहना कि गुजरात सारे हिंदुस्तान के लिए एक नमूना है, तो मैं कहना चाहूँगा भाजपा भाइयों और मोदी साहब, हमको आपके मॉडल की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि फोन टैपिंग के मामले में राज्य का विजिलेंस विभाग एक हफ्ते के भीतर चालान करने वाला है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के उन आरोपों को भी खारिज किया जिसमें धूमल ने इस मामले को बदलने की भावना से प्रवृत्त बताया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि धूमल ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि विजिलेंस विभाग फोन टैपिंग मामले में उनकी पिछली सरकार के खिलाफ जल्द ही चालान करने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फोन टैपिंग मामले में जांच लगभग पूरी हो चुकी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और मुझे मगर ये औपचारिक है और जाना भी चाहिए, इलेक्शन में हमें हर क्षेत्र में जाना चाहिए। पीपल कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। हमारी हमारा जो कैंपेन है वो कोशिश होगी कि मैं ही नहीं, हमारे दूसरे साथी हैं, दूसरे मिनिस्टर्स हैं, दूसरे एमएलएज हैं, दे विल गो टू विलेज टू विलेज, एवरी एरिया विल बी टच्ड एंड मीट द पीपल एंड कैंपेन फॉर द पार्टी। मुझे उम्मीद है कि हम चारों सीटों को जीतेंगे। हिमाचल कांग्रेस ने जब से हमीरपुर लोकसभा हलके का टिकट सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा को दिया है तब से हमीरपुर कांग्रेस में राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज हमीरपुर से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर ने फिर भाजपा का दामन थाम लिया। नरेंद्र ठाकुर कांग्रेस टिकट ना मिलने से नाराज हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हिमाचल कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे नरेंद्र ठाकुर कांग्रेस छोड़कर एक बार फिर भाजपा के खेमे में शामिल हो गए हैं। नरेंद्र ठाकुर कांग्रेस का टिकट सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा को दिए जाने को लेकर नाराज है। मैंने कभी भी बीजेपी को तो मैं अलग समझा ही नहीं, जो भी कार्यकर्ता मैं कांग्रेस में था, जो मुझे मिलता रहा बीजेपी का, मैंने अपनी तरफ से उसका पूरा काम करने की कोशिश की है। मैंने ये कभी नहीं समझा कि मैं कांग्रेस हूँ या बीजेपी का, मैं इसका काम नहीं करूँगा। और रात को भी कोई आया तो भी मैंने जो जहाँ तक हो सका है मैंने उसका काम किया है। रवि जी का ना चाहते भी मिलेगा क्योंकि मेरे कोल में
गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र ठाकुर भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उन्हें कांग्रेस ने लोकसभा का टिकट थमाया था। पिछले विधानसभा चुनाव में वो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ भी चुनाव लड़े थे। बहरहाल नरेंद्र ठाकुर की भाजपा में वापसी प्रदेश भाजपा के लिए एक बड़ी राजनीतिक सफलता मानी जा रही है। नरेंद्र ठाकुर के भाजपा में आने से कांग्रेस के वोट बैंक पर काफी असर पड़ सकता है। हमीरपुर से पुनीत बत्ता के साथ इंद्रजीत कौर, डीएनआई न्यूज। राजेंद्र राणा ने हमीरपुर ब्लॉक कांग्रेस की बैठक की, जिसमें ब्लॉक के सभी प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में जहां एक तरफ नरेंद्र ठाकुर के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा गर्म थी, वहीं नरेंद्र ठाकुर के दो बड़े सिपे सलार कांग्रेस में ही रह गए। दरअसल हमीरपुर में नरेंद्र ठाकुर के साथ दिखने वाले नवीन पटियाल और नितिन पटियाल, जो कि नरेंद्र के भांजे भी हैं, वो राजेंद्र राणा के साथ खड़े दिखाई दिए, जो कि ठाकुर परिवार में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है। बैठक के बाद राजेंद्र राणा ने कहा कि नरेंद्र ठाकुर के जाने से कोई नुकसान नहीं होने वाला, कांग्रेस मेरे साथ है और आम आदमी ने कांग्रेस को वोट देने का मन बनाया है। देखिए, हर व्यक्ति पॉलिटिक्स में अपनी सूटेबिलिटी देखता है, अगर वो गए होंगे तो सोच के गए होंगे, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। कार्यकर्ता ने अपने भाषण में एक ही बात कही है कि इतने कार्यकर्ता पहली दफ़ा इकट्ठे हुए हैं, और जिस दिन मैं इस चुनाव क्षेत्र में मैंने प्रवेश किया था, लगभग 20,000 लोग सड़कों पे थे स्वागत के लिए। ये इस बात की और इशारा भी कर रहा है, संकेत भी कर रहा है कि इस चुनाव क्षेत्र की जनता मत बना चुकी है, और मैंने कह दिया है कि हमने 14 वर्षों से एक सेवादार के तौर पर काम किया है। एक तरफ सेवादार हैं और दूसरी तरफ 5-स्टार कल्चर और हाई प्रोफाइल नेता हैं, फैसला तो जनता ने करना है। इसलिए हम पूर्ण विश्वास और मजबूती के साथ, विश्वास के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं, और ये चुनाव 100% हम इस चुनाव को जनता के आशीर्वाद से जीतने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही जहां सभी पार्टियां अपनी जीत को पक्का करने में लगी हैं, वहीं सभी लोगों की नब्जों को टटोला जा रहा है। इसी कड़ी में शिमला संसदीय सीट से बीजेपी के उम्मीदवार वीरेंद्र कश्यप ने सोलन के कोर्ट परिसर में वकीलों से बात की और उनकी समस्याओं से भी रूबरू हुए। कश्यप ने कहा कि उन्होंने शिमला सीट पर सांसद रहते हुए कई से विकास कार्यों के काम करवाए हैं और प्रदेश की विभिन्न समस्याओं को संसद में उठाया है। उन्होंने कहा कि सोलन की जनता ने उन्हें पहले भी भारी बहुमत से जिताया था और उन चुनावों में भी उनका साथ उन्हें मिला है और आगे भी उन्हें उनका साथ मिलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होने के नाते और स्थानीय सांसद होने के नाते आज सभी जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनसे बातचीत रही और उनसे बहुत सी चीज़ें हमें मिली भी है कि जो आगे इश्यूज उठाने वाले हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनसे भी रूबरू हुए हैं। सारे देश में जो मोदी में वातावरण बना है उसमें हमारा जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो अछूती नहीं है। पिछले लगभग 30-35 दिन से मैं लगातार अपने शिमला लोकसभा क्षेत्र में जनता के बीच में जा रहा हूँ, विभिन्न वर्गों से मिलने का मेरा मुझे मौका मिला है और सभी वर्गों से कोशिश कर रहा हूँ कि उनके विचार जाने, ताकि आने वाले समय में अगर मुझे मौका मिलता है फिर दोबारा सांसद लोकसभा का, तो अवश्य उन मुद्दों पर हम लोकसभा में चर्चा भी करेंगे और उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित भी करेंगे। विधानसभा चुनाव में हुई हार से भाजपा ने सबक लेते हुए जहां एक ओर अपनी कमजोरियों को दूर करना शुरू किया है, वहीं आने वाले चुनाव में विजय हासिल करने के लिए भाजपा द्वारा एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया गया है। इसी मुहिम के तहत युवा शक्ति को ज्यादा से ज्यादा भाजयुमों में शामिल करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। शिक्षा का हब बन चुके सोलन में युवा मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में इस वोट बैंक की तरफ किसी भी राजनीतिक दल का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ था, लेकिन भाजयुमों इस बार कोई मौका गंवाना नहीं चाहती, इसलिए उनके द्वारा सबसे पहले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कैंपस एम्बेसडर नियुक्त कर युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। 14
2014 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए पूरे प्रदेश में और पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में कैंपस एम्बेसडर हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत हम जो हमारे विश्वविद्यालय प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, इंस्टीट्यूट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लॉ कॉलेज हैं, उसके अंदर जो स्टूडेंट पढ़ते थे उनको भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ जोड़ा जाए, वो उन्हें अपना कैंपस एम्बेसडर बनाया जाए। उसी के तहत यहाँ भी हमारे 2000 से अधिक कैंपस एम्बेसडर यहाँ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में नहीं, लोग हमें जिताना चाहते थे, परंतु कहीं ना कहीं उसमें हमारी अपनी कमी रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो वोट है वो नेट टू नेट यहाँ फाइट थी, उसके अंदर हमारी अपनी कमियाँ रही। जिस प्रकार से हम भाजपा युवा कार्यकर्ता हम बूथ मैनेजमेंट नहीं कर पाए, परंतु इस बार भारतीय जनता युवा मोर्चा ने वन बूथ 20 यूथ का नारा दिया है। सोलन के अंदर इन्होंने कहा कि हिमाचल ऑन सेल प्राइवेट विश्वविद्यालयों के नाम पर। आज मैं सोलन में हूँ और वीरभद्र सिंह जी और कौल सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो ये हजारों छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं, यदि यहाँ पर विश्वविद्यालय हमने नहीं खोले होते तो यही छात्र आज पंजाब या हरियाणा या MP के अंदर पढ़ाई कर रहे होते। मैंने आज BJP ज्वाइन की है क्योंकि मुझे लगता है कि इस पार्टी में हमें कैपेबिलिटी है हमें लेड करने की, और ये रियली में हमारी प्रॉब्लम्स जो हमारी यूथ की प्रॉब्लम्स हैं और हमारी कंट्री की मेजर प्रॉब्लम्स हैं लाइक इन्फ्लेशन, उसके साथ ये रियली में डील कर सकती है। एंड आई थिंक इट कैन रियली लेड अस टू ग्रेट हाइट्स एंड अचीवमेंट्स, एंड आई थिंक नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। BJP से हमें काफ़ी उम्मीद है, बींग ए स्टूडेंट हम भी चाहते हैं कि देश का जो है एजुकेशन लेवल तो बड़े ही बढ़े, साथ में देश की तरक्की भी हो। हम देखते हैं कि रिसेशन चल रहा है, अभी जॉब में काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो हम बींग ए यंगस्टर हम तो यही चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ने जा रही है, जिसका प्रमाण हाल ही में हुई रैली में देखने को मिला। ये बात कांगड़ा चंबा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी शांता कुमार ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। शांता कुमार ने कहा कि हिमाचल एक ग्रामीण प्रधान प्रदेश है और सांसद बनने के बाद उनकी प्राथमिकता पठानकोट से चंबा तक एक ब्रॉडगेज रेल लाइन बिछाने की रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने सीकरी धार सीमेंट उद्योग लगाने को भी अपनी प्राथमिकता बताया है। कांगड़ा चंबा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी शांता कुमार ने कहा कि भले ही हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन पिछले दिनों सुजानपुर में हुई भाजपा की रैली में हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि धर्मशाला में हुई कांग्रेस रैली में कुछ हजार लोग ही शामिल थे, और इस बात से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। हिमाचल जैसा ग्रामीण प्रधान प्रदेश जिसमें कांग्रेस की सरकार है, गांव का प्रदेश, कांग्रेस की सरकार, हमारी रैली में कम से कम 1,00,000, उनकी रैली में ज्यादा से ज्यादा 25,000। भाजपा प्रत्याशी शांता कुमार ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि कहीं पर मोदी की कोई लहर नहीं है, लेकिन कांग्रेस खुद हिमाचल में अपनी सरकार होने के बावजूद भी अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रही है। हिमाचल में कुछ कांग्रेस के नेता कहते हैं, बयान देते हैं, कोई मोदी लहर नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, सुजानपुर की रैली वर्सेस धर्मशाला की रैली 25,000, हमारे कम से कम 1,00,000, तो मोदी लहर है या नहीं है और कांग्रेस जा रही कि नहीं जा रही। वहीं चंबा के विकास पर चर्चा करते हुए शांता कुमार ने कहा कि पठानकोट से चंबा तक एक ब्रॉडगेज रेल लाइन का निर्माण जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश का पिछड़ापन भी दूर होगा। चंबा से बॉबी सिंह के साथ अमित कुमार, डे एंड नाइट न्यूज। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सोमवार का दिन बड़े फेरबदल वाला रहा। कभी हमीरपुर में कांग्रेस की तरफ से अनुराग ठाकुर को कड़ी टक्कर देने वाले दिग्गज नेता नरेंद्र ठाकुर ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए BJP का दामन थाम लिया। हमारे सहयोगी मोहित प्रेम शर्मा के साथ खास बातचीत के दौरान नरेंद्र ठाकुर ने कांग्रेस में रहते हुए अपने दर्द को जहां साझा किया, तो वहीं उन्होंने कहा कि उनके BJP में शामिल होने के बाद हमीरपुर संसदीय सीट पर BJP के उम्मीदवार अनुराग ठाकुर को फायदा मिलेगा। नरेंद्र ठाकुर ने कांग्रेस को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। नरेंद्र ठाकुर ने अनुराग ठाकुर के खिलाफ MP का चुनाव भी लड़ा था और वहीं पिछली जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें वो हमीरपुर से प्रेम कुमार धूमल के अगेंस्ट
खड़े हुए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। नरेंद्र ठाकुर का बीजेपी में शामिल होने के बाद इन्हें किस तरह का फायदा मिलेगा? हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र ठाकुर। क्या वजह रही, पहले तो जानना चाहेंगे कि जो बीजेपी का दामन एक बार फिर से थामा आपने? जैसा सबको पता है, मैंने कांग्रेस अक्टूबर 2008 में ज्वाइन की थी। कांग्रेस ज्वाइन करने के इमीडिएटली बाद मैंने एमपी का इलेक्शन लड़ा। उस वक्त हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार को बने हुए तकरीबन एक साल हुआ था। यहाँ के अनुराग के पिताजी सीएम थे और बहुत बड़ी इलेक्शन हुआ। इलेक्शन लड़ने के बाद पिछले जो 4-5 साल का पीरियड गुजरा बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद जब नए इलेक्शन विधानसभा के हुए तो मैंने जो वहाँ के उस वक्त के सिटिंग सीएम थे प्रेम कुमार धूमल, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा। दोनों इलेक्शन जो लड़े वो बड़े बड़ी कांटे की टक्कर हुई। मैंने सीएम को यहाँ तक अपनी कंस्टिट्यूंसी तक ही सीमित कर दिया था और मेरा सरकार बनने में भी मेरा काफ़ी योगदान रहा था। लेकिन सरकार बनने के बाद मुझे पूर्णतया, खासकर जो कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन जो बॉटम से लेकर टॉप तक थी, बिल्कुल इग्नोर किया। मेरा मंडल मेरे बगैर पूछे, मुझे कॉन्फिडेंस में लिए बिना उसको भंग किया। और यहाँ तक कि जहाँ यहाँ ऑर्गेनाइजेशन को मीटिंग होती थी उसमें भी मुझे बुलाने से वो ग्रेज करते थे, मुझे इग्नोर करते थे। हमारा डेपुटेशन 2-3-4 बार मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह से भी मिला कि मैंने सीएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, मैंने लोगों के काम करवाने हैं, तो हमें कुछ ताकत दीजिए, कोई हमें ऐसी कुछ चेयरमैनशिप या कोई ऐसा जो आम काफ़ी लोग बनाए। हम भी डिमांड करते रहे, हमारे कार्यकर्ता भी डिमांड करते रहे, लेकिन पिछले एक साल सोया साल हो गया है, हमें इस तरह की कोई ऐसी ताकत ना दी है। हमारे जो कार्यकर्ता थे उनका कोई काम नहीं हो पा रहा था और मैं अपने आप को ह्यूमिलेटेड सा फील कर रहा था। आपने आवेदन भी किया था टिकट के लिए हमीरपुर से? नहीं, इस बार मैंने आवेदन नहीं किया। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं कि जो आप अब बीजेपी में शामिल हुए हैं अपने वर्कर के साथ, तो कितना सशक्त रहे हो पाएगी बीजेपी आगामी चुनावों में? और अनुराग ठाकुर और राजेंद्र राणा जो है उनके बीच कड़ा मुकाबला इस बार माना जा रहा है हमीरपुर से, क्या मानते हैं आप कि बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा आपके शामिल होने से पार्टी? हमारी फैमिली बैकग्राउंड सभी जानते हैं, स्वर्गीय ठाकुर जगदेश चंद जी जो बीजेपी के फाउंडर रहे हैं, और अगर हमीरपुर बीजेपी का गढ़ रहा है या है, उसमें हमारे परिवार की मुख्य भूमिका रही है। ये हमारी पेरेंटल बॉडी है, अभी भी हमारे परिवार का लोगों के माइंड में एक इंप्रेशन है कि राजनीति में अगर कोई ईमानदारी से किसी परिवार ने राजनीति की है तो वो स्वर्गीय ठाकुर जगदीश चंद जी का परिवार है, और लोग अभी भी उनको याद करते हैं। जहाँ तक मेरा अपना इंडिविजुअल जो इम्प्रेशन लोगों के ऊपर है, वो भी जैसे फैमिली के पीछे से बैकग्राउंड चलती आई, वैसे उनके उनका मेरे प्रति भी ऐसा इम्प्रेशन है। मेरे आने से खासकर हमीरपुर की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बल्कि 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन सुजानपुर और हमीरपुर में हमारा, मेरा, हमारे परिवार का, स्वर्गीय ठाकुर जगदीश चंद जी का काफ़ी जनाधार इस जिला में है, वो अभी भी मौजूद है, और वो चाहते हैं कि उस खानदान का कोई व्यक्ति जो है वो राजनीति में आए और उनका उत्तराधिकारी बने। जैसे आप कह रहे हैं कि ये कांटे की टक्कर आप मान रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि बाकी तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हमीरपुर जिला में जो है वो वन साइडेड जो है इस बार कंटेस्ट होगा बीजेपी और अनुराग की फेवर में, और मोदी की, खासकर जो मोदी की लहर चली हुई है उसका भी बेनिफिट हमें मिलेगा, और हमीरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफ़ी मतों से लीड करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नरेंद्र जी, जिस तरह से आपने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के अगेंस्ट चुनाव लड़ा था इस बार, तो क्या आप मानते हैं कि तालमेल किस तरह से एक बार फिर से बिठा पाएंगे, क्योंकि दूरियां जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी बीजेपी से और ख़ासतौर पर धूमल परिवार से आपकी? भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले हमारी सीटिंग हुई और हम दोनों ने खुले मन से पिछली जो भी कोई बातें थी उनको भुला के एक नए युग की शुरुआत जो है वो हमीरपुर जिला में की है, और जो कुछ भी कोई मन मुटाव था हमने उसको पूर्णतया भुला दिया है।
अब हम एक नए खून की संचार से जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है इसको खासकर हमीरपुर में नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में मजबूत करेंगे। अब हमारे बीच में किसी किस्म का कोई मनमुटाव नहीं। तो कभी कांग्रेस में रहे नरेंद्र ठाकुर के बोल कुछ अब बदले से नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब उनका धूमल परिवार से किसी तरह का मन मुटाव नहीं है। वहीं नरेंद्र ठाकुर का हमीरपुर में खासतौर पर बीजेपी में शामिल होने से हमीरपुर में कितना ज़्यादा फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा, डीएन नाइट न्यूज़, हमीरपुर। और अब बारी है हमारे वेब क्वेश्चन ऑफ द वीक के जवाब की। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि क्या कांग्रेस हरियाणा में अपनी पकड़ बरकरार रख पाएगी। आप में से 73% लोगों ने कांग्रेस की पकड़ बरकरार ना रहने की बात कही। वहीं 25% लोगों का कहना है कि कांग्रेस पकड़ बना पाएगी, जबकि 2% लोगों ने इस पर कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा। और इस बार के हमारे लकी विजेता है राहुल गुप्ता, जिन्हें मिलता है टिम्बर ट्रेल हाई स्कूल वानू में एक रात का स्टे बिल्कुल मुफ्त। और अब इस हफ्ते का सवाल, इस हफ्ते हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या एक उम्मीदवार को एक साथ 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। आप अपना जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.jnnightnews.com पर जाइए और होम पेज पर जाकर अपना वोट दे दीजिए। अगर आप लक्की रहे तो आपको मिलेगा टिम्बर ट्रेल हाइट्स पर वानू में एक रात का स्टे बिल्कुल मुफ्त। तो जल्द से जल्द वोट कीजिए। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए डे नाइट न्यूज। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।